हाय फ्रेंड्स, प्रिंस कट ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग करना सिखा रही हूँ। तो इसके लिए एक मीटर कपड़ा चाहिए, तो चलिए कट करने की सीखेंगे। अब ब्लाउज कट करेंगे। हाँ, तो लंबाई का 14.5 इंच लेने का लंबाई। हाँ, और इधर से भी 14.5 इंच मार्क कर दीजिए। उसके बाद शोल्डर ले लीजिए, 7 इंच शोल्डर और मार्जिन 1/2 इंच 7.5 इंच और आर्म होल 7 इंच नीचे उतार लीजिए। हाँ, तो ये भी 7.5 इंच। अब उसमें छाती का 9 इंच 36 इंच है, 9.5 इंच रख लीजिए। बाद में आर्म होल के लिए लकीर खींच लीजिए। गले की चौड़ाई 3 इंच और गले का डीप 3.5, ये इसको भी 3.5 तरह करके उसको चौक बॉक्स कर दीजिए, चौक बॉक्स कर दीजिए और गले का शेप दे दीजिए, बोट शेप। इस तरह से बोट शेप दे दीजिए। हाँ, और कमर का शेप 36 इंच है, उसका चौथा भाग 9 इंच और टक्स पॉइंट 10.5 इंच मार्क कर दीजिए, 10.5 इंच और टक्स का चौड़ाई 3.5 इंच और नीचे भी 3.5 इंच ले लीजिए। और इसको उसको आर्म होल 5 इंच उसको उसको जुड़ाइए, प्रिंस कट का शेप जॉइंट कर दीजिए। इस तरह से जॉइंट कर दीजिए, अच्छी तरह से इस तरह से शेप लेके कट जॉइंट कर दीजिए। और यहाँ से 2.5 इंच टक्स के लिए मार्क कर दीजिए और प्रिंस कट का वो टक्स के लिए जॉइंट कर दीजिए। तो बाद में यहाँ से 2.5 इंच एक्स्ट्रा ज़्यादा ले लीजिए मार्किंग, और चेस्ट से भी एक कमर का भाग जॉइंट कर दीजिए। उसके बाद 1.5 इंच मार्जिन के लिए मार्क कर दीजिए। इस तरह से 1.5 इंच मार्क करके इसको सीधा लकीर खींच लीजिए और यहाँ से भी सीधा मार्क कर दीजिए। तो आर्म होल का मार्क भी कर दीजिए। 2.5 इंच ज़्यादा लिया मैंने, क्योंकि यहाँ टक्स के लिए मैंने ज़्यादा लिया था ना, इसलिए इधर कमर से इधर 2.5 इंच मैंने ज़्यादा लिया और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। तो चलिए अब काट लेंगे, अब सब आउटलाइन काट लेंगे पहले। तो इस तरह से पूरा काट लीजिए और ये आर्म होल भी काट लीजिए और शोल्डर काट लीजिए। इस तरह से काट लीजिए। अब सीधा रख के इसको गला भी काट लीजिए। इस तरह से काट लीजिए। तो अभी पीछे का भाग काटेंगे। तो अभी हम लोग आगे का कटा हुआ कपड़ा लेके पीछे के भाग में रखेंगे। रखे पीछे का इसको शोल्डर मार दीजिए, छाती का मार दीजिए, कमर का मार दीजिए और गले की चौड़ाई मार दीजिए। पहला एक बार इंच मार्किंग के लिए हुक बटन के लिए 1/2 इंच पहला मार्क कर दीजिए। उसके बाद आगे का कपड़ा रख दीजिए, आगे का कपड़ा रखिए। इस तरह से रख के अब छाती का कितना भाग है वो मार्क करने का, कमर का मार्क और लंबाई पीछे आगे का लंबाई से भी पीछे का लंबाई 1/2 इंच और शोल्डर गले की चौड़ाई गले का डीप मार्क कर लेते हैं। इसके बाद नीचे कमर का शेप नीचे लंबाई 1 इंच कम करने का है, पीछे का भाग आगे से भी 1 इंच कम मार्क कर लेने का। इसके बाद छाती का मार्क 9.5 इंच 9.5 इंच लेने का
और कमर का माप से छाती माप को एक लाके छेदने का और शोल्डर का माप 7.5 इंच और यहाँ से भी 7.5 इंच और आर्म होल लंबाई 7 इंच। इस तरह से जैकेट खींच के उसके बाद गले का चौड़ाई 3 इंच और डीप 3.5 इंच। इस तरह से जैकेट खींच और यहाँ से भी 3.5 इंच लेके चोट बॉक्स बनाएंगे। यहाँ से भी 3.5 इंच तो अब कमर के पट्टी से 1 इंच टक्स के लिए ज़्यादा लें और उसके बाद 1.5 इंच मार्जिन के लिए और यहाँ से भी छाती में भी 1.5 इंच मार्जिन के लिए तो उसको जुड़ा देने का जुड़ाने का इस तरह से जुड़ाने का और इसमें गैज काट लें। तो चलिए पीछे का गले का शेप दे देंगे। 3.5 इंच के बाद 4 इंच गला डीप लेने का नीचे तो चाहिए तो बड़ा भी ले सकते हैं नहीं तो कम भी ले सकते हैं। मैंने 4 इंच लिया है उसका 1/2 इंच 2 इंच और गले के राउंड शेप के लिए मैंने 1 इंच लिया है। मैंने बुन शेप काटा है आपको चाहिए कोई भी शेप ले लीजिए। राउंड चौड़ा चाहिए तो ज़्यादा ले सकते हैं तो आप कट कर लेंगे तो पूरा आउटलाइन कट कर लेंगे इस तरह से नीचे से काट के और साइड का काट लेंगे और आर्म होल काटेंगे नीचे का बोन शेप काट लेंगे इस तरह से काट लेंगे और बोन शेप गला काट लेंगे इस तरह से काट लेंगे। इसके बाद आगे का और पीछे का दोनों मिल जुड़ा के शोल्डर साइड आर्म साइड 1/2 इंच नीचे उतारने का नीचे उतार के थोड़ा डाउनर में शेप लेके काटने का वो काटने से ब्लाउज का फिटिंग अच्छा बैठता है गला नहीं उतरेगा इसलिए 1/2 इंच नीचे करके उसको थोड़ा सा क्रॉस में काट लेना चाहिए इस तरह से डाउनर काटना चाहिए। तो अभी पीछे का भाग निकाल के आगे का प्रिंस कट कट कर लेंगे इस तरह से प्रिंस कट ये काट लेंगे बाद में टक्स भी वो भी काट लीजिए इस तरह दिखेगा तो पीछे का भाग होगा या इसका भाग चलो दोनों निकाल के आप स्लीव्स काट लेंगे तो स्लीव्स 2 भाग और इसको 4 भाग लेना चाहिए 4 भाग चौड़ाई है 9 इंच मुझे चाहिए 7 इंच और लंबाई है 10 इंच तो 1.5 इंच ज़्यादा 11.5 इंच 11.5 इंच बनेगा ये 11.5 इंच बनेगा और इसको लंबा लगे दीजिए। मेरा गोलाई है 14 इंच तो मैंने 7 इंच ले लिया हाँ और 3.5 इंच नीचे उतारने का इधर 1 इंच ठीक है इसको इस तरह से फिश शेप दे देने का और यहाँ 1.5 इंच स्ट्रेट लाइन खींचने का और यहाँ से भी 6.5 इंच ले लेने का और इसको मार्क कर देंगे। तो अब मेरे हाथ की गोलाई है 6 इंच 12 इंच है 6 इंच मार्क करने का और इसको जुड़ाने का जुड़ा के इसको करके करके अब काट देने का मार्जिन के लिए और इसका शेप इस तरह से करके आगे थोड़ा कर नीचे ले जाए तो अब इसको आउटलाइन से काट लेंगे
अब इस तरह से इसका सब आउटलाइन काट लेने का, दोनों स्लीव इस तरह से काट लेने का, जिसमें पॉइंट कट करने का और इधर स्टिचिंग का कट और इधर स्टिचिंग का कट और आगे का शेप दो भाग कपड़ा लेके इस तरह से काट लीजिए। तो देखिए अब दो स्लीव बन गया, दोनों स्लीव का अलग अलग करेंगे, इस तरह से अलग अलग करेंगे, एक एक स्लीव एक स्लीव हो गया। देखिए इस तरह से काट लेंगे, चलो तब सी लेंगे। अब कपड़ा सी लेंगे, पहला फ्रंट सी लेंगे। तो प्रिंस कट पहला जॉइंट करेंगे, इसको इस तरह से जॉइंट करेंगे। देखिए अब पहला एक भाग आगे का यहाँ से कट के आधा आधा इंच मार्जिन रख के इसको जॉइंट कर दीजिए, इस तरह से जॉइंट कर दीजिए। देखिए इस तरह से जॉइंट कर दीजिए। दो दो सिलाई, इस तरह से सी लीजिए। एक तरफ का हो गया और एक तरफ का जुड़ा, इसे बस कितना अच्छा आ गया है। इस तरह से अब दूसरा भाग दूसरा ले लीजिए, तो इसको इसको जुड़ा के हाफ इंच मार्जिन रख के सी लीजिए, इस तरह से सी लीजिए, इस तरह से सी लीजिए। अच्छी तरह से इसको कर्व देके अच्छी तरह से जॉइंट कर दीजिए। दो दो सिलाई सी लीजिए, कर दीजिए। इस तरह दिखेगा वो, इस तरह कप कितना अच्छा आ गया, आगे का कप कितना अच्छा आ गया। अब इसको कमर में पट्टी लगाएंगे, दो इंच का पट्टी काटेंगे, काट के रखा है मैंने, को लगा लेंगे। अभी तो देखिए इस तरह से जुड़ा दीजिए, हाँ इस तरह से स्टिच कर दीजिए। तो इस तरह से हाफ इंच मार्जिन रख के सी लीजिए, तो इस तरह से जुड़ा। तो जुड़ा दीजिए। सिलाई साफ दिखने के लिए उसको उल्टा करके इसके ऊपर पट्टी के ऊपर एक सिलाई मार लीजिए, तो सिलाई साफ भी दिखेगा और फोल्डिंग करने के लिए दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से स्टिच करें, ज़्यादा कपड़ा काट लीजिए, ज़्यादा कपड़ा इस तरह से काट लीजिए। अब इसको पहला हाफ इंच फोल्ड करके फिर एक इंच फोल्ड कर लीजिए, तो इसको बाद में मशीन सिलाई निकाल के हाथ सिलाई भी कर सकते हैं, चाहिए तो मशीन सिलाई भी रख सकते हैं, आपको कौन सा अच्छा लगता है वो कर लीजिए। इस तरह से कमर पट्टी लगा लीजिए, देखिए इस तरह से जॉइंट कर दीजिए। देखिए अब आगे का भाग हो गया, अब पीछे का देखो आगे का इस तरह से सिलाई हो गया, अब पीछे भाग सी लेंगे। तो चलिए अब टक्स के लिए मार्क करेंगे, कर लेंगे। अब टक्स का लंबाई 4.5 इंच रखेंगे। अब मैं
पीछे गले राउंड बुन शेप गले का मार्क कर लेंगे। पहला बुन शेप का जो पीछे इस तरह रख के एक कपड़ा इसको मार्क कर लेंगे, इस तरह से मार्क करेंगे। हाँ, बाद में निकाल के उसको डेढ़ डेढ़ इंच मार्क करते जाएंगे, राउंड शेप डेढ़ डेढ़ इंच मार्क करते जाएंगे इसको। दो दो कपड़ा लेके उसको कट करेंगे, मार्क करके डेढ़ डेढ़ इंच मार्क करेंगे इसको। बाद में सीके उसको हाथ सिलाई कर देंगे, मशीन से ज्वाइंट करके बाद में हाथ सिलाई करेंगे। मशीन से भी सी सकते हैं। अब दो पीस लेके दोनों साइड के गले कट लेंगे इस तरह से। तो अभी एक पीस कपड़ा निकाल के पीछे का गला ऊपर रख के ये सी लेंगे। तो चलिए सी लेंगे। इस तरह से दोनों सी लिया, इसको फोल्ड करके आते हैं। अभी नीचे का कमर पट्टी का बेल्ट लगा लेंगे, दो दो इंच के दो निकाल के कमर पट्टी। पहला हम लोग इसको कमर पट्टी लगाएंगे, काट के दो दो इंच कमर पट्टी लेके काट के लगाएंगे। पहला डाच जॉइंट करके बाद में कमर पट्टी लगाने का, इस तरह से हाफ हाफ इंच मार्जिन छोड़ के कमर पट्टी जॉइंट करेंगे। अब ये दूसरा वाला भी जॉइंट करेंगे, इस तरह से हाफ इंच मार्जिन करके जॉइंट करेंगे। ज्यादा कपड़ा कट कर लेंगे, इसको भी ऊपर से एक सिलाई मार लेंगे, एक्स्ट्रा पट्टी के ऊपर एक एक सिलाई मार लेंगे दोनों कमर पट्टी में, इसको भी मार लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा आया हुआ काट लेंगे इसका। अभी फोल्ड करके हाफ इंच पहला फोल्ड करके एक इंच फोल्ड करके इसको मशीन से सी देंगे। चाहिए तो आप हाथ सिलाई भी कर सकते हैं, नहीं तो मशीन सिलाई भी रख सकते हैं। इस तरह से कमर का पट्टी सी लेने का, एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेंगे। और एक दूसरा भाग भी इसी तरह से सी लो। सी लो कमर पट्टी पीछे का। तो इस तरह दिखेगा, तो इस तरह दिखेगा पीछे वाला। अब इसको बटन पट्टी लगाना। तो पहला हुक पट्टी लगाएंगे, डेढ़ इंच का कपड़ा लेके हुक पट्टी लगाएंगे इस तरह से, इसको लगा के नीचे काट के एक इंच फोल्ड करके इसको ज्वाइंट करेंगे।
इस तरह से जॉइंट करेंगे और इसको घुमा के पट्टी के ऊपर एक स्टिच मारेंगे, एक स्टिच मार लेंगे। और इसको भी फोल्ड करके अंदर से आधा इंच फोल्ड करके एक इंच अपना पट्टी फोल्ड करके सी लेंगे डबल पट्टी उसके ऊपर से। इसको भी चाहिए तो आप हाथ सिलाई भी कर सकते हैं, तो मशीन सिलाई चाहिए तो मशीन सिलाई भी रख सकते हैं। तो कौन सा अच्छा लगेगा वही कीजिए। घर का पट्टी जॉइंट करेंगे। ये लिया है मैंने 2.5 इंच, तो इसको भी इस तरह से जॉइंट करके सी लीजिए। ज़्यादा वाला कपड़ा कट कर दीजिए और इसको फोल्ड करके सी लीजिए, इस तरह से सी लीजिए। फिर इसको उल्टा करके कपड़ा फोल्ड करके पहला आधा इंच डबल फोल्ड कर दीजिए, इसको इस तरह लगा के इसको एक फोल्ड और एक फोल्ड, ये थोड़ा एक इंच बाहर आना चाहिए, इस तरह फोल्ड करके इसको इस तरह से सी लीजिए। इस तरह फोल्ड करके पट्टी के ऊपर ही एक सिलाई लगा दीजिए, इस तरह से लगा दीजिए और इसके ऊपर और स्टिच, इसके ऊपर और स्टिच मार लीजिए। यहाँ पर 2 स्टिच मारना चाहिए इसको, और देखिए दोनों मिला के ऐसा करेक्ट आ गया। देखिए इस तरह से हुक पट्टी बटन पट्टी लगाएंगे। अब शोल्डर जॉइंट करेंगे, तो लीजिए आगे का और पीछे का इस तरह से जुड़ा के गला से इस तरह जुड़ाएंगे, हाफ हाफ इंच मार्जिन रख के जुड़ाएंगे शोल्डर। दो बार सिलाई करने से मजबूत बनेगा। इस तरफ का भी इसी तरह से रख के शोल्डर जॉइंट करके सी लेंगे, इस तरह से जॉइंट कर दीजिए और एक सिलाई मार लीजिए। देखिए ये इस तरह से हो गया। अब शोल्डर जॉइंट हो गया, अभी आर्म स्लीव्स लगाएंगे। तो स्लीव्स को 1.5 इंच लिया है, अब इसको इस तरह से 1.5 इंच फोल्ड करके पहला 1/2 इंच फोल्ड करके और 1-1 इंच करके उसको मशीन में सी लेंगे। बाद में हाथ सिलाई करके उसको मशीन सिलाई निकाल सकते हैं। सिलाई मोटा सिलाई रखना चाहिए, बाद में हाथ सिलाई करके वो मशीन सिलाई निकाल लेंगे। हाँ अब सी लीजिए, हाथ सिलाई कर लीजिए।
दीजिए। ये है माथे, ये जॉइंट करेंगे। देखिए आगे का ज़्यादा कट हुआ, आगे लगाने का, पीछे का पीछे लगाएंगे। तो इस तरह से बीच वाला पॉइंट बीच में आना चाहिए, तो इस तरह से मिला के इसको फिर लगा लीजिए। तो इसको फिर जुड़ा दीजिए, हाफ इंच मार्जिन रख के जुड़ाइए, तरह से जुड़ाइए। तो दोबारा दो दो स्टिच करके सिलना चाहिए, वही स्टेप पहला स्टिच किया हो इसके ऊपर ही और एक बार सिलाई मारना चाहिए। कमर का, छाती का, प्लीज का माप को आप पहले से किया हुआ है, इसको जोड़ा दीजिए इस तरह से। तो जोड़ा दीजिए कमर 36 इंच, छाती 38 और प्लीज 6 इंच, इस तरह से माप किया हुआ है, इसको सिला लीजिए। तो 6 इंच है है, 38 मैंने डेढ़ इंच का वो पहले ही मार्क किया हुआ है और 36 का मार्क, बस डेढ़ इंच पहले मार्क किया है, इसको मार्क करके सीना चाहिए। इसको पूरा जॉइंट कर दीजिए अभी इस तरह से। इस तरह से इसी तरह से मार्क करके सी लीजिए। पहले मार्क किया हुआ है उसके ऊपर अब सी लीजिए। तो इस तरह से सी लीजिए। अब किनारे किनारे एक दो सिलाई मार लीजिए आपको मार्जिन के लिए। देखिए अब इसको सीधा करके देखिए इस तरह से ब्लाउज अच्छी तरह से सी लिए, पूरा जॉइंट करके सी लिए इस तरह से। देखिए तो पीछे का भाग इस तरह दिखेगा, आप गला पट्टी सियेंगे। तो गले पट्टी के लिए 1.5 इंच पट्टी काट के रखा हुआ है, अब उसको सी जॉइंट करना है आपको। मैंने क्रॉस में कट किया है पहले से ही, अब उसको जॉइंट करके सियेंगे इस तरह से जॉइंट कर।
के बाद में इस तरह से लंबा दिखेगा। अब इसको ब्लाउज में सीधे की तरफ ऐसा रख के सी लीजिए इस तरह। गला सी लीजिए गले में पट्टी। और बीच में राउंड शेप में कट कर दीजिए, केक को बीच में कट कर दीजिए। वो कट करने से राउंड शेप अच्छा दिखेगा, नहीं तो राउंड शेप नहीं आ जाएगा। इसलिए बीच में कट करना चाहिए, दो दो इंच एक इंच छोड़ के कट करना। इस तरह से काट दीजिए, ज़्यादा आया कपड़ा इसको भी काट दीजिए। अभी फोल्ड करके आधा आधा इंच मकअप रख के ऊपर से पट्टी के ऊपर स्टिच मार लिया। बाद में हाथ सिलाई कर लेंगे उसको। इस तरह से फोल्ड कर करके पट्टी के ऊपर किनारा सीना चाहिए। तरह सीना चाहिए। पीछे से ज्यादा आया हुआ कपड़ा उसको काट दीजिए। ज्यादा आया हुआ कपड़ा थोड़ा काट दीजिए, कहाँ ज्यादा आया उस काट के फिर इसको फोल्ड करके हाथ से ले कर दीजिए इसको। इस तरह ब्लाउज पूरा हो गया। इस तरह देखिए आगे का, देखिए गला और ब्लूज इस तरह से सीने का, और पीछे का भी देखिए। देखिए गला इस तरह कितना सुंदर आया है, देखिए इस तरह का। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।